जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो चलिए साथियों, आप सभी के लिए यह केमिस्ट्री का फिर एक बार महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो चुका है। महत्वपूर्ण ये जो है लाइव सेशन आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आइए मेरे साथ सभी बच्चा जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है और कमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट करना है। चलिएगा देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है और क्वेश्चन को डिटेल पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा आप सभी साथी। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्न में से सही प्रदर्शन कौन सा है? तो चलिएगा किसके बारे में बोला है, नाइट्रोजन के बारे में बोला है। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होते हैं, प्रत्येक नाइट्रोजन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने सर जी? तो देखिएगा क्या होता है, हीलियम होता है, चलिए हाइड्रोजन हीलियम, चलिए लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, चलिए इस तरीके से श्रृंखला चलती रहती है, आप लोगों को पता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ये आपको पता है। तो इसका क्रम क्या बनेगा, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तो क्या क्रम बनेगा? तो नोट करिएगा आपका बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या बनेगा सर जी, एन जो है 6 बंद यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, ये 6 बंद और ये एन और ये 2 बंद, ठीक है। तो आपका बनेगा राइट आंसर, ये आप लोगों को नोट करना है। देखिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है कार्बन स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को जानना आवश्यक है। देखिए बोला गया है कि इथाइल की संरचनात्मक सूत्र है, क्या बोला है, इथाइल का संरचनात्मक सूत्र है। तो क्या C2H2 होता है क्या, बताइए, क्या सर जी C2H2 होता है क्या, बताइए। तो अब देखिए इसमें कैसे क्या बनेगा, इथाइल को आमतौर पर एसिटिलीन भी कहा जाता है। इथाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यह जो होता है इथाइल का जो है, इथाइल में सबसे सरल 2 कार्बन इसमें होते हैं, तो ये बनेगा आपका, चलिए क्या बनेगा साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा क्या, बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त आंसर लगाया होगा। चलिए आइए साथियों मेरे साथ करते हैं अगले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, क्या बोला गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान आपको करना है, क्या बोला है, असंतृप्त यौगिक कौन सा है, प्रोपेन या फिर आपका प्रोपीन, प्रोपाइन या फिर आपका क्लोरो, आपका क्लोरो फ्रो, आपका क्लोरो प्रोपेन होगा। देखिएगा सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन CH3, CH2 और CH3 या इस तरह से बनेगा क्या, या प्रोपीन, ठीक है बच्चा, प्रोपीन बनेगा CH3 CH2 बनेगा क्या, बताइए। और आपका प्रोपाइन जो बनेगा, ठीक है बच्चा, जो प्रोपाइन क्या बनेगा, तो नोट करेगा मेरे साथ, CH3 जो है सिंगल बॉन्ड C कार्बन का और ट्रिपल बॉन्ड आपका CH बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो चलिएगा क्या सभी बच्चा समझ पाया कि सेकेंड और थर्ड, क्या बच्चा आपका प्रोपीन और प्रोपाइन इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप सभी का अगर बी आंसर है तो भाई साहब, सॉरी, आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सारे साथी एक बार थम्सअप करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि सर सेशन में मज़ा आ रहा है, चलिए या मज़ा आ ही रहा है, मज़ा तो आएगा भाई साहब पूरा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आपको कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है साथियों, या फिर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, या जल की उपस्थिति में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्या आप सभी बच्चा जान पाएंगे, नोट करेगा मेरे साथ, कि हाइड्रोकार्बन के हेलोजन की प्रक्रिया तब होती है जब क्लोरीन जो है, ठीक है, जो Cl है, जो क्लोरीन है, क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करती है। तो नोट करेगा साथियों,
जो आप लोग ऑप्शन लगा रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, ये नोट करना है। और ये सेशन आपके लिए भाई साहब बहुत शानदार होने वाला है और आपके आगामी एग्ज़ाम में चले तहलका ही मचाने वाला है। देखिए आगे आते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साबुन के मिसेल में क्या होता है। तो देखिएगा, साबुन का जो आपका आयनिक सिरा जो है गुच्छ की तरह पर कार्य जो है कार्बन गुच्छ के अंदर होती है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बनिक श्रृंखला गुच्छ के बराबर होती है। आयनिक सिरा तथा कार्बनिक श्रृंखला दोनों गुच्छ के अंदर होती है। चलिए बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली जो साबुन के मिसेल हैं, ठीक है, क्या जो साबुन है एक क्या है आपका अणुओं की जल विरोधी जो आपका अघुलनशील भाग होता है। और आपको नोट करना है कि ये साबुन के आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। नोट करेगा कि आंसर सर जी ए बनेगा, ठीक है साथियों। तो ये शानदार तरीके से नोट करिएगा आप लोग। चलिए देखिए, बेहतरीन सा एक क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, ठीक है, क्या भाई साहब बेहतरीन सा क्वेश्चन आपसे बोला है। पेंटेन का अणु जो है C5H12 इसमें होते हैं, 5 सहसंबंध बंध, 12 सहसंबंध बंध, या फिर आपका 16 सहसंबंध बंध या 17 सहसंबंध बंध, तो आप लोग बताइएगा। चलिए इसकी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH जो है 2, फिर CH2, फिर एक बार CH2, ठीक है, और फिर होगा आपका CH3, क्या होगा CH3 होगा। तो बताइए अब कितना होगा, चलिए अब मुझे काउंट करके बताइए। तो ये जो होगा आपका 16 हो जाएगा क्या, बताइए, चलिए सभी बताइएगा क्या 16 होगा क्या। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर इसका 16 अगर आपने आंसर लगाया है तो भाई साहब बहुत ही शानदार आंसर होगा। आते सर जी आगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का बोला है रासायनिक सूत्र क्या है, क्या हम लोग जो है बेंजीन का रासायनिक सूत्र बता पाएंगे। C6H6 ऐसा कहीं नज़र आ रहा है कि आप लोगों को, C6H6 जो है दोहरा बंद होते हैं, तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि अब जो है राइट आंसर क्या बन सकता है, क्या राइट आंसर बन सकता है सर जी, मेरे साथ नोट करिएगा, ठीक है। C6H6 देखिए कहाँ नज़र आएगा, चलिए देखिए 1, 2, 3 ये 6 हो सकता है, ठीक है। C6 और H6 क्या है ये है सर जी, तो ये है आपका बेंजीन है, और बेंजीन में कार्बन भी 6 होना चाहिए और आपके हाइड्रोजन भी 6 होना चाहिए। ये कार्बन तो सर जी इसमें 6 है, पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हो नहीं सकता। चलिए ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, ये 4 और ये 3, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या आपका सी आंसर हो जाएगा क्या। चलिए इतना इजी क्वेश्चन भाई साहब कि अब क्या ही बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, चीज़ें सीख रहे हैं आप लोग। अगर सीख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपका एक कमेंट्स चाहिए ही चाहिए मुझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते साथियों, क्या दिया है क्वेश्चन दिया है सर, जरा नोट करिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पादन बनाता है, कितने उत्पादन बनाता है, 2 उत्पाद बनाता है, यह हमसे बोला गया है। देखिए साथियों, सोडियम एथेनाइट तथा हाइड्रोजन, सोडियम आपका एथो जो है नेट तथा हाइड्रोजन, या फिर होगा सोडियम आपका एथासाइड तथा हाइड्रोजन, या फिर होगा सोडियम एथाइड तथा आपका ऑक्सीजन, क्या आप लोग बता पाएंगे। तो सोडियम और आपका एथेनाइल के बीच इसमें समीकरण बनता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे समीकरण बनता है, मैं समीकरण आपको बताता हूँ। सब पहले नोट करिएगा भाई साहब, सोडियम आपका एथाइट और हाइड्रोजन बनेगा, इसका एक समीकरण बनता है, जरा मेरे साथ नोट करिएगा, के होता है सर जी, के होता है CH3, ठीक है बच्चा, CH3 CH2OH जो है आपका Na से क्रिया करेगा, तो ये यहाँ पर आप लोग संतुलित करने के लिए 2, और ये क्या बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर नोट करता हूँ मैं क्या बनाएगा, ठीक है, ये 2CH3 बनाएगा,
और CH2 और ON से क्रिया कर लेगा ये और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त करेगा। इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है, नोट करना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ब्यूटेन का पूछा है भाई साहब, ब्यूटेन का कौन बच्चा नहीं बता पाएगा। पहले ब्यूटेन का आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन होता क्या है, ठीक है। ब्यूटेनाइक जो होता है क्या, बताइए जल्दी से। तो ब्यूटेनाइक आपका इसकी संरचना कैसे होगी यह आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए साथियों क्या होने वाला है। ओके, तो नोट करेगा मेरे साथ, जो ब्यूटेनाइक की संरचना बनेगी ऑप्शन नंबर डी बनने वाली है। क्या बनेगी सर जी? ऑप्शन नंबर डी बनेगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है बच्चा। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आपको नोट करना है। चलिए आते भाई, सिरका एक विलयन है, सिरका एक विलयन है यह हमसे बोला गया है। तो देखिए सिरका एक क्या है, एथेनोइक अम्ल होता है, ये तो हमें पता ही है। क्या सर जी? यह एथेनोइक अम्ल होता है, यह आप लोग को नोट करना है पहले तो, ठीक है। और क्या चीज़ें नोट करना है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में कि यह मुख्य जो है घटक होता है आपका एसिटिक, ठीक है, इसकी जो है एसिटिक एसिड का मुख्य घटक होता है, यह खट्टा होता है, स्वाद में तीक्ष्ण होता है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो कि जल में 5% और 8% एसिटिक होता अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चीज़ें क्या समझ रहे हैं सर जी, क्या चीज़ें सीख रहे हैं? हमें ऐसे ही समझना है और ऐसे ही सीखना है और आगे निरंतर बढ़ते जाना है। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा क्या बोला गया है। सर इसमें बोला गया है कि कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों? नोट करिएगा क्यों प्रबल होते हैं। ओके, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है पूर्णतः आयनिक होते हैं, खनिज अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं, या कार्बोलिक अम्ल जो होते हैं आंशिक आयनिक होते हैं, तो क्या आंसर बन पाएगा सर? नोट करना मेरे साथ कि आपके जो कार्बोलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो आपके एसिड हैं, कार्बोलिक एसिड जो होते हैं यह कि इसकी तुलना में जो होते हैं खनिज एसिड अत्यधिक मजबूत होते हैं। कौन सर जी? जो आपके खनिज एसिड हैं अत्यधिक प्रबल होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, क्योंकि ये खनिज एसिड की पूरी तरह क्या करते हैं, आयनित कर देते हैं। तो हमें नोट करना सर जी, जो आपका खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित कर देते हैं और सेकेंड आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित कर देते हैं, आपका ए आंसर राइट आंसर होगा। और ए आंसर सभी लोगों ने लगाया होगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था और आप सभी लोगों ने बना पाया होगा। तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है और इसकी लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं। कार्बन एक, ठीक है, कार्बन जो है अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 जो है, ठीक है, जो है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के जो है उपरांत कार्बनिक किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या करना है, प्राप्त करना है? हीलियम है, नियॉन है, कार्बन है, या फिर आपका जो है क्रिप्टॉन होगा? बताइए साथियों क्या आंसर होगा। तो साथियों नोट करना कि जिन साथियों ने आंसर लगाया सर जी, क्या ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, नियॉन होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है? चलिए क्या आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता हो, और इसमें सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये नोट करना है। और नियॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है। कैसी कहते हैं सर जी? अक्रिय, आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीरॉन अक्रिय गैस है। ये लास्ट 18 समूह से संबंधित होती है, ये आपको नोट करना है। छोटी छोटी चीज़ें हमें भूलना नहीं है, इसे तो हमें बांध के रखना है अपनी। चलिए साथ जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। H2O, ठीक है, H2O बताइए। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपका क्या राइट आंसर बनाएगा? आपका राइट आंसर बनाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चा। नोट करेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, बिल्कुल सत्य आंसर होगा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मेरे साथ आगे आइएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा सीधी श्रृंखला का आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला
कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए बताइए बता कौन सा नहीं है बच्चा। तो देखिए जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो सॉरी का आपका हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बोरेट हाइड्रोकार्बन जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है एक सीधी श्रृंखला वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। और यह जो है जो ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है ये इसका सत्य आंसर होगा, सत्य आंसर होगा। ठीक है नोट करना मेरे साथ क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा, ये नोट करना है आप लोगों को। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से आपका संतृप्त क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह हमें नोट करना है सर, यह हमें नोट करना है। असंतृप्त की बात किया है, गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। किसके किसके हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है क्या होते सर जी, यौगिक होते हैं। और क्या होते साथियों ये, ठीक है, और इनमें दोहरा बंध पाया जाता है। कैसे सर जी, इनमें दोहरा बंध पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब राइट आंसर तो आप लोग बता ही पाएंगे कि सर जी राइट आंसर बनेगा आपका, चलिए सी, मतलब आपका सेकेंड और फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। चीज़ें समझना है ठीक है। चलिए और ये भी ध्यान रखना है दोहरे बंध के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है क्या बनाते हैं, दोहरे बंध के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। मेजरली हमें जो है इस बार सिलेक्शन छीन के लाना है और सारी नोट्स सारी पीडीएफ सारी जो है बुक्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। अगर जो भी बच्चा नहीं देख पाया हो तो ये नाम नोट कर लेगा, समाधान स्टडी, यहाँ पर हर जो है बच्चे का समाधान होगा। ये आज ही जाकर आप लोग टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, ओके, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर समाधान स्टडी सर्च कर लेना और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारी नोट सारी पीडीएफ सारा टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा जो है समजातीय श्रेणी का जो है संबंधित नहीं होता है, बता पाएंगे सर जी क्या बन पाएगा। चलिए बताइए सर जी क्या बन पाएगा। पहला वाला क्या है, सेकेंड वाला क्या है, और ये सब आपको बताना है। चलिए C4H8, चलिए बताइए C4H8 आप लोगों ने क्या यही लगाया है क्या। चलिए कितने बच्चा ने एल्कीन ही लगाया है, क्या यही बच्चा सही आंसर हो जाएगा क्या। एल्कीन इज़ द राइट आंसर, ठीक है, एल्काइन एल्कीन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा ये, चलिए पढ़ा होगा, कैसा क्या पढ़ा है सर जी हमने देखा CNH, ठीक है सी ऐसा बनता है ना, देखिए CNH जो है 2N+1 इसे ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, चलिए तभी तो ये बनता है। एक का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे कि हम लोग जो है N का मान एक रखेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। ठीक है क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। जैसे कि देखिए एक का N का मान एक रखूँगा तो C का C, H का H, 2 का 2, ठीक है 2 और ये 2 और 2+4 क्या आपका मेथेन बन गया क्या, CH4 बन गया क्या। चलिए इस तरीके से ये हम लोग इसको जो है सूत्र को निकाल पाते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। देखिए क्या बोला है आपका, यौगिक जो कि CH3 और CH2 और CHO का नाम आपको बताना है, आपका प्रोपेनॉल है या फिर आपका प्रोपेनोन है या फिर आपका एथेनॉल है या फिर आपका एथेनोल है, तो बताइए साथियों क्या आंसर बन पाएगा। मेरे साथियों क्या आंसर बन पाएगा नोट करके मुझे बताना है। ठीक है यह क्या होता है, यह आपका एल्डिहाइड समूह से संबंधित होता है। क्या होता है सर जी, यह जो होता है आपका आपका एल्डिहाइड समूह से संबंधित होता है। तो मेरे साथियों क्या आप लोग नोट कर पाएंगे क्या इसका राइट आंसर क्या बन जाए। चलिए क्या मेरे साथ आप लोग नोट कर पाएंगे इसका आंसर क्या बन पाएगा, क्या सभी साथियों ने क्या आपका प्रोपेनॉल आंसर लगाया क्या। चलिए बताइए कितने साथी हैं जिन्होंने आंसर लगाया सर प्रोपेनॉल, और यही इसका क्या सत्य आंसर बन जाएगा। ओके नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे आते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, बोला है कि CH2Cl की में जो है उपस्थित विषम परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन होगा।
बताइए साथियों क्या होगा। तो जैविक रासायनिक जीव विज्ञान में आपका हेट्रो जो है एटम कोई भी परमाणु होते हैं और इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बच्चा, इसमें आपके कार्बन और जो आपके हाइड्रोजन, चलिए 2 और 4 कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होते हैं। विषम बोला है ना इसने, ठीक है, विषम आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन या फिर आपका कार्बन होगा, बताइए ज़रा मुझे। तो देखिए सभी साथी नोट करेगा पहले तो क्या आंसर बनेगा, चलिए ओके 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 ठीक है। तो यहाँ पर विषम है, तो देखिए उपस्थित क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो विषम कौन कौन से हो गए, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ओके बच्चा, ये पूछा था क्वेश्चन को, तो यही तो क्वेश्चन हमें घुमा देता है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन हमें घुमा देता। यहाँ पर विषम बोला है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है और आपका क्लोरीन नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ये हमें नोट करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों चलिए आगे आते हैं। रिएक्शंस दी है कि निम्न में से कौन सा जो है साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है, कौन सा सर जी साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया जो है यह अभिक्रिया आपका ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह हमें ध्यान रखना है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, क्या दिया साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये बिल्कुल इसका राइट सत्य आंसर होने वाला है और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से यही लगाया होगा। चलिए आते हैं, क्या बोला गया है कि आपका जो है एल्काइन जो है सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्काइन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। देखिए एथाइन या फिर आपका एथीन या फिर आपका प्रोपीन या फिर आपका होगा मेथिन, तो साथ ये नोट करने का सी जो है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका सर जी, तो क्या आपका यह जो है एथाइन का है, क्या एथाइन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों ये जो आपका अंतिम लास्ट क्वेश्चन था, कल हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, तो कल आवर्त सारणी के कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष करने वाले हैं, कल आपको पढ़ के आना है, जो नोट्स दिया है उसका रिवाइज करेंगे, हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासेस लगाएंगे, ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ के बाद ही आप सिलेक्शन एक अच्छे पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, मिलते हैं नए क्लास में।